आज व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में मार्शल आर्ट ट्रेनर मास्टर विवेक मिश्रा हाजिर है। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो हमारे स्टूडियो की मुलाकात लेने के लिए। आपके बारे में परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मास्टर विवेक मिश्रा है। मैं एक मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देता हूँ मैं। और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका हूँ और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी ले चुका हूँ मैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और आप उत्तर प्रदेश से सूरत कैसे आ गए? एक्चुअली मैम, मेरा एक शौक था मार्शल आर्ट करने का और वो शौक मुझे यहाँ तक खींच लाया। अपने सीधी जर्नी उत्तर प्रदेश में आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? नहीं मैम, मैंने 12th स्टैंडर्ड पास किया है और वहाँ से मैंने कुश्ती और लाठी चलाना, तो उत्तर प्रदेश की एक शौक है, वहाँ पे सब करते ही है, तो वो धीरे 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 फिर मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट किया। तो आपको मार्शल आर्ट में ही जाने का है, वो कैसे विचार आ गया? एक्चुअली मैं मेरी बचपन से एक आदत रही है कि मैं मूवी बहुत देखता था, तो कुंफू मार्शल आर्ट मूवीज़ देख देख के और इतिहास अपने देश का पढ़ पढ़ के, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं, अपने भारतीय परंपरा जो हमारी युद्ध कला पद्धति है वो होनी चाहिए, और वो मैं स्टार्ट कर दिया सीखना और आज ब्लैक बेल्ट हूँ। अरे वाह, मार्शल आर्ट एक्चुअल में क्या, क्योंकि अभी की जनरेशन को है ना सिर्फ इंटरनेट के में ही रस है। मार्शल आर्ट में मैम लोगों की सोच होती है कि मार्शल आर्ट अगर कोई लड़का कर रहा है या कोई लड़की कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए या झगड़ा करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्शल आर्ट का मतलब एक डिसिप्लिन है जो आपकी लाइफ में लाइफ को पूरा चेंज कर देती है हमेशा, एनी टाइम। मतलब मार्शल आर्ट सीखने का एक जो मोटो होता है कि लोग सोचते हैं कि पंच मारना, किक मारना मार्शल आर्ट हो गया, नहीं, मार्शल आर्ट का मतलब होता है कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, आप किस तरह से चलना है, किस तरह से किससे बात करना है, कहाँ पे आपको सिक्योरिटी रखनी है, कहाँ पे अच्छे से रहना है, कहाँ से नहीं रहना है, वो टोटली मार्शल आर्ट सिखाता है मैम। बेटियों को सेल्फ मार्शल डिफेंस बनाने के लिए आपको विचार कैसे आया कि बेटियों को ही सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए मार्शल आर्ट के द्वारा? मैम आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली मैं टीवी बैठ के देख रहा था आज के कुछ साल पहले 2012, और उसी टाइम पे एक निर्भया रेप केस आया था, आज भी वो केस पेंडिंग है। तो मैम वहाँ पे वो मूवी वो न्यूज़ देखते टाइम मेरे दिमाग में आया कि अगर ये बेटी मेरे घर की होती तो मैं क्या करता। सही बात। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे बेटियों के लिए कुछ करना है, कोई करे या ना करे। आज की जनरेशन में मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे लोग कैंडल मार्च करते हैं, बैनर छापते हैं, एक जगह पे तो बेटी मार दी गई है, उसकी इज्जत गई है, फिर बैनर छाप के और कैंडल मार्च करके मैं नहीं समझता कि बेटियों की सुरक्षा हो सकती है। सही बात। इसके लिए मैंने एक मिशन स्टार्ट किया और उसके अंदर मैंने बेटियों को सबसे इजी टेक्निक क्या होती है, सब इंसान के अंदर बॉडी के पार्ट्स में सेंसिटिव पार्ट्स कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे मार के या फिर टच करके लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित बचा सकती हैं, तो वो टेक्निक पूरा बना के फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट किया बच्चियों को। और आज मैं मतलब लगभग बहुत सारी लड़कियों को ट्रेनिंग दिया, लेकिन हर जगह पे मैंने हमेशा एक ही चीज़ देखा कि ट्रेनिंग देते टाइम मुझे वहाँ पे बहनें मेरी नज़र आई, और जब वो एकदम ट्रेंड हो के मतलब जब बाहर निकलती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखता हूँ ना, तो मैम मुझे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है मुझे कि नहीं, ये बेटियाँ अब सुरक्षित हैं। तो आपने ये पहली कौन सी लड़की को सिखाया और कहाँ से शुरू किया? एक्चुअली वैसे तो मेरी क्लासेस चलती ही थी, मैं लड़कियों को और लड़कों को दोनों को ट्रेन करता ही था, लेकिन मैं एक चाल से स्टार्ट किया था, अथवा गेट में है, अथवा गेट के साइड में वो नाला है, नाला के जस्ट बगल में, तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग दिया था और वहाँ से ही सोचा था कि मैं अब हर जगह पे जाऊँगा। तो आज बहुत सारे स्टेट में अलग अलग जाके बेटियों को ट्रेनिंग दे के मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इसमें, अभी आज ही सर्टिफिकेट मेरे आया है यहाँ पे। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। आपको अभी ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको स्थान मिला है, तो वो कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है और किस तरह से आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलने के लिए आप नॉमिनी हुए? एक्चुअली मैम मुझे तो कुछ पता नहीं था वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, मैं बस मेरा काम कर रहा था और हर जगह पे लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहा था, जैसे कि अपना गुजरात है, फिर बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, ऐसे अलग अलग स्टेट में लोग मुझे बुलाते गए और मैं ट्रेनिंग को बढ़ाते गया।
तो एक दिन ऐसे बैठा था और इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से कहीं से वो नंबर वंबर पाए थे, तो कॉल किए मुझे और कॉल किए तो मैं बताना चालू किया कि मैं ऐसे ऐसे ट्रेनिंग दिया हूँ हर जगह पे। तो वो लोग बोले कि सर इसका कोई प्रूफ है आपके पास? सही बात, कि आपने ट्रेनिंग दिया हुआ है? तो मेरे पास फोटोज़ वीडियोज़ और जो लेटर मैंने कलेक्ट किए थे जगह जगह पे जाके वो सब उनको भेजे, तो वहाँ से वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा बना मैम। और इसमें मैं मेरी मेहनत नहीं समझता, इसमें उन बेटियों की मेहनत है, उन बेटियों का आशीर्वाद है, उन बहनों का आशीर्वाद है जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया। बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के पीछे का आपकी सोच क्या है? मेरी सोच मैम कुछ भी नहीं है ऐसी बहुत खास, बस एक ऐसा था कि मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि निर्भया रेप केस हुआ था, तो उस टाइम से एक ऐसा दिमाग में बस बैठ गया मेरे कि मुझे कोई बेटियां बेचारी नहीं चाहिए। आज के ज़माने में अगर आप देखने जाइए तो हर जगह पे एक बहुत कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है जिससे मुझे चिढ़ होती है कि बेटियों को हमेशा बेचारी वर्ड से यूज़ किया जाता है, मतलब बेचारी बोला जाता है पहले, नाम लेने से पहले उनको बेचारी, बेचारी बेटियां, बेचारी बच्चियां, बेचारी बहनें। और दूसरा सबसे बड़ा मेरा इंटेंशन ये था कि बेटियां जब बाहर जाती है तो मैं जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, हर जगह पे देखा हुआ है कि बेटियों का मोबाइल अगर बंद हो गया और थोड़ा सा भी घर से लेट हो गया तो पेरेंट्स जो होते हैं ना मैम, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो हमेशा ऐसा समझते हैं कि मतलब अब वो सुरक्षित होगी भी कि नहीं। हमारे देश में ऐसा मतलब एक माहौल बना हुआ है कि हर जगह पे देखो तो रेप केस, रेप केस, रेप केस, तो पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं कि कैसे मतलब अपने बेटियां सुरक्षित होंगी वहाँ पे कि नहीं होंगी, क्या होगा, क्या हुआ होगा उनके साथ। तो मेरा टारगेट ऐसा है कि मैं बेटियों की ट्रेनिंग इसलिए बढ़ाया और आज मैं इस मुकाम पे इसलिए पहुँच रहा हूँ और मेरी सोच इसलिए ऐसी है कि मैं सब कुछ मिला जुला के ये चाहता हूँ कि बेटियाँ हमेशा ट्रेनिंग लें और सेल्फ डिफेंस सीख के वो खुद निडर होके कहीं पे चलें। उनको ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि मैं बाहर जाऊँगी तो मेरे जान का खतरा है या मेरी इज्जत का खतरा है, ये चीज़ उनके माइंड में नहीं रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब क्या आगे कार्यक्रम करने वाले हैं? आगे मैं अभी मैम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वापस 9 जनवरी को बना रहा हूँ, उसमें मैं 3000 प्लस लड़कियों को इंक्लूड किया हूँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और हर जगह पे सिर्फ ये मुहिम, ये मेरा एक आखिरी टारगेट नहीं है, मैं नहीं समझता। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं मतलब एक एडवर्टाइजमेंट के लिए मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ। मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जितना लोगों को पता चलेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, वैसे वैसे लोग मुझसे जुड़ेंगे। सही बात है। जब वो लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मैं उन लोगों को और ज़्यादा ट्रेनिंग दे सकता हूँ और अलग लेवल पे उन बच्चियों को लेके जा सकता हूँ, घर घर पहुँच के ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ बस वहाँ पे ट्रेनिंग दे दिया और मैं शांति से बैठ गया, हो गया मेरा काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सोच ये है कि ऑल ओवर इंडिया में, मतलब अपने पूरे भारत में, भारत देश की सभी बेटियां इतनी ट्रेंड होनी चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। और जो छोटी बच्चियां हैं जो मतलब मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती, उनके लिए भी हम लोग एक मुहिम चलाए हुए हैं कि उनके पेरेंट्स को भी बुला के हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चियों को सिखाओ कि गुड टच बैड टच क्या होता है, बच्चियों को सुरक्षित सिक्योर कैसे रखना है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। तो वो सब ट्रेनिंग पेरेंट्स को भी देते हैं, जो बड़ी बच्चियां हैं उनको तो पूरा सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग जाके। और हर तरीके से मेरी कोशिश यही है कि बेटियां सुरक्षित रहें। तो आप हमारे द्वारा कोई टिप्स देना चाहते हो तो वो क्या होती है सेल्फ डिफेंस की, कि इमिडिएटली वो अप्लाई कर सके, ऐसी कोई टिप्स? मैम उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि मैं कभी कहीं पर बच्चियाँ जा रही हैं तो उनको बहुत सारी जगह पे ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि उनका हाथ पकड़ लेते हैं या फिर बाल पकड़ लेते हैं या गला पकड़ लेते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या होते हैं कि आज आपकी आप देखिए तो जैसे सामने वाला हमारे ऊपर अटैक करता है, अगर हमारे ऊपर हमें नॉलेज नहीं होता है ना तो हम सेम तरीके से उसके ऊपर अटैक करते हैं। सही बात है, एकदम सेम। जैसे हमारा कोई गला पकड़ लिया तो हम जनरली क्या करते हैं, सामने वाले का गला पकड़ लेते हैं। हमारा कोई कॉलर पकड़ रहा है तो हम जनरली क्या करते हैं, उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि कभी हमारा कोई गला पकड़ लिया
तो हम सामने वाले का अगर गला पकड़ रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जिसके अंदर ज़्यादा ताकत है वही जीतेगा, वही गला दबाएगा। और इसमें हमने एक टिक अपनाई थी, और बच्चियों को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, गला अगर कोई हमारा पकड़ लेता है तो हम जनरली उनका गला पकड़ के दबाना शुरू कर देते हैं या फिर चिल्लाना चालू करते हैं बचाओ। तो गला पकड़ने पे सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊँ मैम कि कोई चिल्ला नहीं सकता, सही बात है, ठीक है। और दूसरा हम किसी का गला अगर हमसे ताकत में ज़्यादा है तो हमारा अगर गला पकड़े तो हम उसका गला भी नहीं दबा सकते और न तो पकड़ सकते हैं। तो मैंने टेक्निक वहाँ पे निकाली थी और वो बच्चियों को मैं सिखाता भी हूँ कि अगर आपका कोई गला जनरली अगर पकड़ लेता है तो आपके पास अगर पेन है, चाबी है या फिर कुछ भी नहीं है, आपका हाथ है, तो एक जगह ऐसी होती है मैम जहाँ पे आप अगर अटैक कर रहे हो तो आपका गला इजिली छूट सकता है। और हर जगह पे मैंने ट्रेनिंग में उसको मतलब लाइव प्रैक्टिकली बच्चियों से करवाया भी हुआ है। वो ये होता है कि हमारी जो चेस्ट की हड्डी होती है लास्ट ऊपर, उसके जस्ट बाद में जो गर्दन के यहाँ से यहाँ तक का भाग होता है ना मैम, ये पूरा सेंसिटिव पार्ट है, सेंसिटिव एरिया है। ये सेंसिटिव एरिया इतनी है कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा पुश करो ना तो खांसी आने लगती है। सही बात है। तो हमें पूरा गला पकड़ने की किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे ये भाग जो होता है यहाँ पे मैम, तो यहाँ पे अगर आप फिंगर से भी पुश कर दो या पेन है उससे आप अटैक कर दो या फिर हेयर पिन निकाल के उसके ऊपर मार दो तो आप इजिली छूट सकते हो। उसमें मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि आपको कोई गला पकड़ के रख सकता है उसके बाद। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जो हम लोग बताते हैं बच्चियों के, जैसे उनका बाल पकड़ ले कोई, तो लड़कियों के बाल लंबे होते हैं तो उनको कोई एक बार दो बार पूरा लपेट लेता है फिर खींचना चालू करता है तो वहाँ पर बेचारी बच्चे एकदम नर्वस हो जाती है। तो फिर उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ऑन द स्पॉट हमें क्या करना चाहिए, तो वो सब टेक्निक पूरा जो हम पूरी लड़कियां जो आभूषण पहनती है जो उनके पास होता है उसको वेपन्स के रूप में कैसे यूज कर सकती है वो पूरी ट्रेनिंग देते हैं। अब बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के साथ साथ उनके जीवन के प्रवाह में वो आगे बढ़ सके ऐसा भी काम करते हो, उसके बारे में आप क्या कहोगे? यस मैम, मैं एक्चुअली एक मिशन जो है ये, इस मिशन में सिर्फ लड़कियों को ट्रेनिंग देना ही बड़ी बात नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हर एक बेटी का हक होता है कि वो अपनी और अपने फैमिली का सपोर्ट हर एक तरीके से कर सके, उसके लिए मैम मैं एक मुहिम चलाया था। बहुत सारी लड़कियाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद घर पे बैठ जाती हैं या फिर जॉब करने जाती हैं तो जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए वो उनको मिलती नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक अपने हिसाब से मैंने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग उनको देता हूँ मैं फ्री में एकदम, उसका कोई मैं चार्ज नहीं लेता हूँ। उन बेटियों को पूरा फुल मार्शल आर्ट में ट्रेंड करके, स्पोर्ट्स में ट्रेंड करके, मैं बहुत सारी स्कूल में मेरा कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो उस स्कूल में उनको जॉब पे उनको वहाँ पे भेजता भी हूँ और उनको हर एक तरीके से सैलरी और जो बेटियाँ हैं वो खुश रहें वैसे उनको सैलरी उनको आप पगभर कर देते। हाँ पूरा, कि वो अपने ऊपर डिपेंड रहें पूरा। अब भारत की बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं बस भारत की बेटियों से, बहनों से, माताओं से सिर्फ हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ कि आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ ऐसी ट्रेनिंग लीजिए जिससे आप सुरक्षित रहें और हर जगह पे निडर होके चलें, कहीं पे आपके सामने बेचारी होने का बेचारी वर्ड यूज न किया जाए। बेचारी शब्द से मुझे पता नहीं क्यों चिढ़ होती है, और आप लोगों की भी होनी चाहिए क्योंकि आप लोग बेचारी नहीं हो, वीरांगना हो। और सबसे बड़ी बात मैम, मैं सभी बेटियों से बोलना ये चाहूँगा कि आप अपना इतिहास उठा के देख लो कि जब जब बेटियाँ उठी हैं तब तब एक इतिहास रची हुई है। सही बात है। आपने हमारे दिव्यांग भवन की मुलाकात ली और हमारे पद्मश्री कनुभाई टेलर से भी मुलाकात की, तो आप उनके बारे में क्या कहोगे? मैं कनुभाई के टेलर के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानता था, आज मेरे गुरु जी यहाँ पर लेके आए और उनसे मिला तो मुझे लगा कि ऐसे मतलब कोई साक्षात वहाँ पे भगवान, मैं भगवान का दर्शन तो नहीं किया हूँ कहीं पे, लेकिन उनके काम से और उनकी बातचीत से मुझे लगे कि साक्षात वहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये काम आप कर रहे हो तो पहले क्यों नहीं बताया, तो मुझे पता नहीं था, मैं सूरत में बहुत कम लोगों को जानता हूँ, लेकिन आज मिला तो सच में मुझे साक्षात भगवान ही नज़र आए वहाँ पे। खूब खूब धन्यवाद मास्टर विवेक मिश्रा
दिव्यांग न्यूज चैनल साथे बात करवा माटे। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांग न्यूज चैनल मैम, और आपका भी जो मेरी बात आप हर एक देश की बेटियों के पास पहुंचा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मां भारती। बेटा हंसने के लिए बना भी आता है, हंसना नहीं है, एकदम सीरियस हो जाओ। समझो कि आपके सामने दुश्मन खड़ा हुआ है और आपको अटैक करना है, ठीक है? बस